वाओ क्या एकदम से भगवान क्या साथ दे रहे हैं यार, क्या सॉलिड मौसम हो रहा है। वेल मैं बता दूं, मेरी मम्मी स्कूटी चला रही है क्योंकि मुझे चलानी ही नहीं आती। मंदिर है मतलब चक्की मंदिर, और यहाँ की रोड्स एज यूजुअल बहुत खराब हो रही हैं। शिव मंदिर चलते हैं यार, क्या सॉलिड भीड़ है दशहरे की। वाओ तो ये सबने दुकानें लगा दी, देखो 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 ये मार्केट एक्चुअल में होती नहीं है यहाँ पे, बस कसबे कसब दशहरा ये मार्केट है यहाँ पे, और ये इंटर कॉलेज है यहाँ पे दशहरा होता है। पर बहुत भीड़ होने वाली है जस्ट बिकॉज ऑफ द शहर। तो ये हमारी गदरपुर सिटी, पुलिस है यहाँ पे एक्चुअल होती नहीं है।
लग लड़ने तो जा रहे हैं। अच्छा युद्ध लड़ने जा रहे हैं ना, वाह चलो पास से दिखाएं। क्या सॉलिड भीड़ है ना, तो ये युद्ध लड़ने के लिए रावण वगैरह तैयार होके जा रहे हैं, वाह मजेदार। वो देखो बीच में कोई वो बना हुआ कुछ है, सॉलिड भीड़ है यार। आगे चले तो ये हमारा गदरपुर है, दिस इज आवर सिटी। तो ये है दशहरे की सॉलिड सी भीड़, आज तो हर जगह रौनक ही होनी है। मार्केट ऑफ गदरपुर, आई थिंक सेकंड जा रहा है। ओह पर जीजू दिखेगी, जीजू के दुकान से दशहरा। पुलिस फॉर सेफ्टी, पानी सेवा चल रही है।
ज़्यादा ट्रैफिक है गदरपुर में। गदरपुर क्या हर जगह ही होगा। तो चलो अब हम शिव मंदिर चलते हैं, दशहरा देखने। एवरीवेयर सिक्योरिटी। वैसे मैं बता दूं कि रावण जो था वो ब्राह्मण था, मतलब शर्मा था, और मैं भी शर्मा हूँ, तो इसलिए हमारे यहाँ रीत है कि रावण को मत्था टेकते हैं उसको जलाने से पहले, मतलब उनको जलाने से पहले। तो ऐसा कहते हैं कि हमारे पर दादा टाइप थे, एंड दैट्स रियलिटी। तो यहाँ पे उन्हें लड़ाई लड़ी। तो अभी तो यहाँ पे भीड़ नहीं है, जब होगा ना तब तो बहुत भीड़ होती है। ये तो हमसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए यार, ये बताओ। हम ऊपर जा रहे हैं तो देखने, ऊपर से मुझे बड़ा है ऐसे जो भी कहो। Thank you.
एक्चुअली इतनी बार देखा है यहाँ पे ना धूप आ जाता है तो मरने से ही मना कर देते हैं। यहाँ जितनी भी बार दशहरा होता है रावण मरने मना कर देते हैं। मौसम आते हैं हड्डी लेने, मतलब ये डंडियाँ लकड़ियाँ लेने, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि ये घर पे रखना अच्छा माना जाता है। सो दैट्स व्हाई लोग ऐसे पागलों की तरह घुस जाते हैं बीच में।